ऐसे ही कि YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू डिस्कस शुरू कर ली थी, और उसके अंदर जो बेसिक छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसके ग्राफ भी बना लिए थे, और ग्राफ के आधार पर उसके ये रिजल्ट निकाल दिए थे। यदि x इक्वल टू साइन थीटा है, ठीक है, तो थीटा की रेंज जो डोमेन है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, आर का मतलब यही हो गया रियल नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू और उसकी रेंज मतलब एक्स की वैल्यू, ये सारी निकाल ली थी टेबल। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो पूरी तरह से इस टेबल पर बेस्ड होंगे। आप ये भी कह सकते हैं, देखिए एक्स इक्वल टू साइन थीटा, या साइन थीटा मतलब एक्स हो गया। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, या फिर इसमें ये भी कह सकते हैं, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस, इधर जाने से कोस इनवर्स, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, या फिर यहाँ पे थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स, यहाँ पे थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं बात, कि ध्यान रखना जितने भी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उसमें थीटा क्या है, एंगल है। ठीक है, जब इनमें एंगल भरेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी एक्स की, वो इसी टेबल में से ही वैल्यू आएगी। ठीक है ना, इसी टेबल में से ही वैल्यू आएगी, ध्यान रखना। दूसरी बात, या इस तरह से देख लीजिएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, या थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, जितने भी ये इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर ध्यान रखना इनपुट में एक्स मतलब क्या है, वैल्यू, ये वैल्यू इसी टेबल में से है। मतलब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस वन टू वन के बीच में ही होगी, और ये इंक्लूड है दोनों। थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स में एक्स इनपुट है, वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू केवल माइनस वन टू वन के बीच में ही होगी, जबकि टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक आ सकता है। अच्छे से दिमाग में बिठाना इस बात को, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स के अंदर माइनस वन से वन के बीच की नहीं आएगी, बाकी सब वैल्यू आ जाएगी। क्लियर यहां तक? ठीक है, एक बार वापस अच्छे से देख लीजिएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ध्यान रखना, याद भी इस तरह से रखना। देखो, देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सब में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक है। देखिएगा, जो साइन की इनवर्स की है वही कोसेक वाले में भी हो जाएगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, फर्क इतना है कि कोसेक थीटा बराबर वन अपॉन साइन थीटा, तो थीटा बराबर जीरो पर कोसेक जीरो की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है, इसलिए एक पॉइंट हटा देते हैं। क्लियर यहां तक? दोनों इंक्लूड है, माइनस पाई बाई टू इंक्लूड है दोनों, सिवाय जीरो। क्लियर? टेन इनवर्स के अंदर दोनों ही इंक्लूड नहीं है, दोनों पे ही वैल्यू कितनी हो जाती है, इंफिनिटी तक। ठीक है, तो अच्छे से एक बार इसको दिमाग में बिठाना। ठीक है, अब एक बार इसको बिना देखे अब एक बार बताने की कोशिश करो। देखो, साइन इनवर्स एक्स के अंदर, ठीक है ना, थीटा की रेंज और एक्स की रेंज, थीटा की रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, टेन इनवर्स में भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन ओपन इंटरवल या फिर ये काउंट नहीं होंगे, और इसमें की माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन एक एलिमेंट हट जाएगा इसमें से, जीरो। क्लियर? इन तीनों में कोस, कोट और सेक, ठीक है, जो कोस थीटा वो सेक थीटा हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर वन अपॉन कोस थीटा, जीरो टू पाई, इसमें भी जीरो टू पाई। ठीक है, अब सेक थीटा बराबर वन अपॉन कोस थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पर सेक पाई बाई टू, वन अपॉन कोस पाई बाई टू, वन अपॉन जीरो मतलब इंफिनिटी, इसलिए पॉइंट को हटा दिया। ठीक है ना, और ये हो गया कोट में जीरो टू पाई। ठीक है, क्लियर यहां तक? इन दोनों की रेंज माइनस वन टू वन, एक्स की रेंज बता रहा हूं, माइनस वन से वन दोनों इंक्लूड है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी दोनों में, और दोनों में ही माइनस वन से वन को छोड़ दो, बाकी सारी या तो वन उससे ज्यादा या फिर माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस वन के बीच में है। ठीक है ना, क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें टेबल को मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, आप इसको अच्छे से दो से तीन बार मेमोराइज भी कर लीजिएगा टेबल को। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर 5 मिनट के लिए इसको देखिएगा टेबल को, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर। आप जैसे ही पढ़ रहे हैं अपने शरीर को हिलाओ मत,
बिल्कुल कंसंट्रेट होकर एक बार इस टेबल को देखिएगा, ठीक है, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे लिए केवल प्रिंसिपल वैल्यू और ये रेंज एक्स, यही दो काम किए। मतलब जब इनपुट इसमें से भरेंगे, -1 to 1 के बीच में भरेंगे, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगी। कोस इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू -1 to 1 भर सकते हो, लेकिन जब वैल्यू भरोगे तो थीटा की वैल्यू आएगी ना कुछ, वो थीटा की रेंज माइनस थीटा की रेंज 0 to π के बीच में ही आएगी, न तो 0 से कम न पाई से ज्यादा। या टेन इनवर्स एक्स में एक्स -∞ to +∞ कुछ भी आ सकता है, तो जब ये वैल्यू भरेंगे तो कुछ ना कुछ एंगल आएगा, वो एंगल -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा, ठीक है ना। मतलब इसका आउटपुट कभी भी π/2 से ज्यादा नहीं होगा, -π/2 से कम नहीं होगा। इसी तरह से कोट इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू -∞ to +∞ एक्स की वैल्यू बढ़ सकते हैं, लेकिन जो एंगल आएगा वो एंगल केवल 0 से π के बीच में ही आएगा, दोनों इंक्लूड नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे जो थीटा आएगा 0 से π के बीच में आ जाएगा, π/2 को छोड़ते हुए कभी भी नहीं आएगा, और इसमें भी जी -π/2 से π/2 के बीच में आ जाएगा, 0 हटा दीजिएगा। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं, देखिए आपको, ठीक है। और अभी टेम्परेरी वाली में ये वैल्यू यहां पर भी लिख देता हूं, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा। देखिए ये तो आपने बनाए रखा है, ठीक है, मैंने एक बार इसको भी वापस लिख दिया इधर की तरफ टेबल, ये ठीक है ना। ये जितने भी इनवर्स फंक्शन है उसके अंदर थीटा की रेंज ये आएगी, एक्स की रेंज ये आएगी, और आपको ये पता है सारा, ठीक है। π/2 में ये सारा एंगल जो 0, π/6, π/4, π/3, π/2 पर इनकी वैल्यू क्या है, π मतलब 180 डिग्री एंगल हो ही गया, ठीक है। हमेशा रेडियन में ही एंगल लिखना है आपको। अब देखिएगा, जैसे अगर कह दिया आपको कि sin π/6 की वैल्यू कितनी है, 1/2, ठीक है। अब उल्टा सोच लो कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो साइन को उधर भेज दे, साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 वैल्यू साइन इनवर्स इनपुट में 1/2 वैल्यू होगी, तो 1/2 वैल्यू पर कितना एंगल है वो लिखना है। 1/2 पर एंगल कितना है, π/6, ये वैल्यू अब क्या आ गई, π/6। अच्छा, अगर ये वैल्यू हो जाती तो बताओ देगी क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स 1/2, ठीक है। तो कोस थीटा में 1/2 वैल्यू आती कितने एंगल के ऊपर है वो चेक करो, तो कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी हो गई, देखो देखें, ठीक है, 1/2 π/3, आंसर क्या आ गया, π/3। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, और देख लीजिए एक बार, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं भी। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दे दिया टेन इनवर्स 1, बताएंगे आप कितना आ गया, π/4। आपको एग्जाम्पल दे दिया साइन इनवर्स √2 + cos इनवर्स √2 कितना आएगा फिर, तो साइन इनवर्स √2 कितना डिग्री का एंगल हो गया, या सॉरी रेडियन में बता दीजिए कितना एंगल हो गया, तो साइन, गलत है ये, क्यों गलत है, 1/√2 साइन इनवर्स कोस इनवर्स में जो एक्स की वैल्यू आती है हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आनी चाहिए, -1 से 1, ये तो 1 से ज्यादा हो गया ना, तो ये क्वेश्चन गलत है। हाँ, अगर इसके अंदर ये होता कि साइन इनवर्स 1/√2 + cos इनवर्स 1/√2 अगर ये होता तो अब इसकी वैल्यू होती 1/√2 पर है आपके पास, कितना देखो, π/4 π/4, तो इसका आंसर क्या आ गया, π/4 + π/4 मतलब π/2 इसका आंसर। वो तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, मतलब वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो तो। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब मैं ये टेबल को देखिएगा रब कर रहा हूं, ठीक है। आप इतना पहले कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, वो टेबल आपने कॉपी कर ही रखी है, एक बार इसको भी कॉपी करके ये कॉपी करके फटाफट ये एग्जाम्पल लिखिएगा। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं, देखिएगा। देखिए इसमें आप ना केवल 3 याद कर लो, बोले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, की इन तीनों की जरूरत नहीं है, इससे काम निकल जाएगा हमारा,
ठीक है ना, साइन जीरो पे जीरो, वन बाई टू वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू वन, कोस जीरो वन, कोस पाई बाई सिक्स रूट थ्री बाई टू, कोस पाई बाई फोर वन बाई रूट टू, कोस पाई बाई थ्री वन बाई टू, कोस पाई बाई टू जीरो, टेन जीरो जीरो, टेन पाई बाई सिक्स वन बाई रूट थ्री, टेन पाई बाई फोर वन, टेन पाई बाई थ्री रूट थ्री, और टेन पाई बाई टू इंफिनिटी। लगभग हमारा ऐसे तीन से काम निकल जाएगा अगर ये याद नहीं भी हो तो, ठीक है ना। अब देखिएगा कुछ और, अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो बनाते भी हैं, ठीक है, फॉर्मूले भी कैसे बनाते हैं वो समझना। माइनस में भी वैल्यू आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है, ये भी सारा चेक करते हैं। देखिएगा अब अगर मान लीजिएगा कुछ माइनस की भी आ जाए, देखिएगा कैसे करते हैं। देखिएगा तीन क्वेश्चन सर, देखिए एक तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स की रेंज वही है, ठीक है ना। कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। अब ये है जैसे, इनको प्रूफ करते हैं देखिए वन बाई वन पहले तो, ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखिएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स को आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। देखिएगा इनवर्स ट्रिकोनोमेट्री में एक चीज ध्यान रखना, जो इनवर्स दे रखा है आप हमेशा उसको थीटा के इक्वल रख दो, हमेशा उसको थीटा के इक्वल रख दो, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आपको इसके इसको प्रूव करना है इसके इक्वल, ठीक है। तो आपको देखिएगा लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, अब साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो केस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो यहां पर माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के। क्लियर यहां तक, ठीक है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन थीटा, यही हो गई ना, माइनस साइन थीटा। अब देखिएगा इसको किस तरह से लिखे, देखो थीटा आपने इसको मान रखा है, ठीक है, तो माइनस थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो एक्स बराबर, इसको मैं ऐसे लिख दूं साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब साइन को इधर लाओ, देखो अब इस साइन को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा, इसका मतलब माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू रख दो, तो थीटा की वैल्यू किसको एज्यूम किया था आपने, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लिया आपने यहां तक, ठीक है। अब सेकंड वाला को चेक करते हैं, देखिए कोस इनवर्स माइनस एक्स वाला चेक करते हैं, ठीक है, तो रख कर रहा हूं मैं इसको, देखिएगा अब कोस इनवर्स माइनस एक्स, प्रूव दैट कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, इसको भी प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए देखो कैसे करते हैं, देखो इसको भी देखिएगा, जो इनवर्स में दे रखा है आपको कोस इनवर्स माइनस एक्स, इसको क्या मान लिया, थीटा, क्योंकि इसी को तो कन्वर्ट करना है ना, तो इसको कन्वर्ट करना तो हमारे पास इक्वेशन हो गया, इसको एज्यूम कर लिया थीटा, तो कोस इनवर्स उधर भेजते क्या चला जाएगा, कोस हो जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू कोस थीटा, तो एक्स क्या हो गया, माइनस कोस थीटा। अब बताओ पहले एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा था, ठीक है ना, अब देखिएगा ये क्या हो गया, माइनस कोस थीटा, ठीक है, तो कोस माइनस थीटा करेंगे तो ये तो प्लस का कोस थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, देखिएगा तो आप बताएंगे कोस पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर फंक्शन चेंज होगा नहीं, केवल साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस कोस थीटा होता है ये, ठीक है, ये तो आपको शायद आ ही रहा होगा,
नहीं आ रहा होगा तो फिर इसमें लेक्चर बना हुआ एक बार वो देख लीजिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड इन फिजिक्स, उसके ऊपर ये सारा कराया हुआ है। ठीक है, तो माइनस कोस थीटा को क्या लिख दूं मैं, तो एक्स इक्वल टू कोस पाई माइनस थीटा। अब कोस को लाओ इधर, ये क्या हो गया, कोस इनवर्स एक्स पाई माइनस थीटा, थीटा इधर भेज दो, कोस इनवर्स इधर लगा दो, तो थीटा इधर आ गया, ये तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू रख दो, ये क्या हो गया, कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये आ गया यहां तक। ठीक है, अब ये भी लिख लीजिएगा आप। ठीक है, अब देखिएगा फिर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, क्लियर आपने यहां तक, ठीक है, क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, रख कर दूं। ठीक है, अब सुनो बात को, ऐसे टेन कोट के भी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब ये टेन इनवर्स की बात करें तो टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ऐसे जिसमें रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आ रही है, ठीक है ना, ओपन या क्लोज ब्रैकेट कोई भी, माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, उनमें तो माइनस एक्स साइन इनवर्स माइनस एक्स सीधा सीधा माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन वाले में देखो माइनस आ गया और कोसेक वाले में माइनस आ गया, और जिसमें रेंज जीरो से पाई बन रही है, जीरो से पाई जीरो से पाई जीरो से पाई, उसके अंदर जो भी लिखेंगे कोस इनवर्स माइनस एक्स, इसका मतलब पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, क्लियर यहां तक, जिनमें रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू उसमें तो डायरेक्टली माइनस आगे आ रहा है। ठीक है ना, अब देखो कुछ प्रश्न करते हैं, आपको दे दिया मान लीजिएगा साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू, ये दे दिया, तो इसको क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स माइनस का रूट थ्री बाई टू तो माइनस में है, पहले इसको साइन इनवर्स को प्लस में बदल लो ताकि टेबल की जरूरत पड़े हम काम में ले सके, तो इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट बार माइनस आ जाएगा साइन में, तो माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट तीन बट्टा दो, और साइन इनवर्स अंडर रूट तीन बट्टा दो की टेबल देखो, देखिए कितना है वैल्यू, पाई बाई थ्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये माइनस पाई अपॉन थ्री, और देखो माइनस पाई बाई थ्री इस रेंज में ही है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। ठीक है, अच्छा फिर लेकिन ये क्वेश्चन अगर ये हो जाता कोस इनवर्स माइनस का रूट थ्री बाई टू तो क्या करते, तो पहले दिन इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो पहले तो इसको क्या लिख देते, पाई माइनस कोस इनवर्स अंडर रूट तीन बट्टा दो। ठीक है, अब काम में ले लो, देखो तो पाई माइनस, और ये वैल्यू कितनी होती है कोस इनवर्स के अंदर, मतलब रूट थ्री बाई टू कितने एंगल पर आती है, पाई अपॉन सिक्स। ठीक है, वन बाई टू होता तो पाई बाई थ्री लिख देते, तो ये हो गया सिक्स पाई माइनस पाई 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 बाई सिक्स, तो देखिए जीरो से पाई के बीच में है। ठीक है, और देखिएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको ये दे दिया साइन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स माइनस वन प्लस कोस इनवर्स वन बाई टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, ये इसको भी माइनस वन बाई टू लिख देता हूं, ये लो। ठीक है, तो इसकी तो डायरेक्ट ही पता हमको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितनी हो जाएगी, पाई अपॉन सिक्स। ठीक है, पहले सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो या फिर ताकि टेबल यूज में आ सके, तो इसको ये लिख लो साइन इनवर्स वन बाई टू प्लस
इसको क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस टेन इनवर्स वन, और कोस इनवर्स माइनस एक्स तो क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो फिर इसको क्या लिखेंगे, प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स वन बाई टू। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब वैल्यू रख लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब ये हो गया आपके पास पाई अपॉन सिक्स प्लस सॉरी माइनस पाई अपॉन फोर प्लस पाई माइनस, और ये कितना हो गया पाई अपॉन थ्री। ठीक है ना, ये हो गया, तो आप इसमें एलसीएम ले लीजिएगा, बोले ट्वेल्व एलसीएम आ गया, ठीक है, अपॉन वन तो सिक्स हो गया टू पाई, माइनस फोर दिया थ्री पाई, प्लस ट्वेल्व पाई, और थ्री फोर माइनस फोर पाई। ठीक है, तो ये हो गया आपके माइनस पाई मतलब प्लस का इलेवन पाई, सेवन पाई बाई ट्वेल्व, सेवन पाई अपॉन ट्वेल्व, ये बन गया सेवन पाई अपॉन ट्वेल्व। ठीक है, आप इतना कॉपी कीजिए, देखें फिर और क्वेश्चंस कर देंगे थोड़े से। चलिए पहले छोटा सा एक टॉपिक करके फिर वापस आगे देखते हैं। टेबल आपको शायद मेमोराइज हो गई होगी, ठीक है, नहीं तो दो तीन बार देखना जरूरत पड़ेगी उस टेबल की वापस। ठीक है, अब देखिएगा कुछ एक क्वेश्चंस और अब देखिएगा, जैसे पहला हो गया सेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा कोस इनवर्स वन अपॉन एक्स। ठीक है, इसी तरह से कोट इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स, ये भी हो सकता है इक्वल टू कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो रटना मत, पहले समझो, देखो देखिएगा जो तीन फंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जो जो वो यही होते हैं। देखिएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू वन, मतलब साइन थीटा इक्वल टू, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इसकी वैल्यू भी वन, ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, मतलब कोस थीटा निकालना है वन अपॉन सेक थीटा निकालना है वन अपॉन कोस थीटा, और तीसरा है टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इसकी वैल्यू भी वन, तो कोट थीटा निकालना है तो वन अपॉन टेन थीटा निकालना है वन अपॉन कोट थीटा। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं? अब इनको प्रूफ करना है, देखिएगा sec इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक है, अब एक तो ये ध्यान रखना यहां पर x की रेंज क्या होगी, तो जो टेबल बनी हुई है उसमें x की रेंज, जैसे sec इनवर्स x के अंदर फिर x की रेंज देखेंगे तो जहां x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस 1 टू 1। ठीक है ना, इसी तरह से ये सारी वैलिड होगी। ठीक है, अब बात को सुनो, देखो sin इनवर्स, अब देखिएगा इसको प्रूफ करते हैं, देखिएगा इनको भी बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, अब इसको प्रूफ करते हैं, देखिएगा आपको क्या करना है, ये sec इनवर्स x प्रूफ करना है, प्रूफ दैट sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स वन अपॉन x। ठीक है ना, जिसको प्रूफ करना है उसको थीटा मान, लेट sec इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x की वैल्यू क्या हो गई sec थीटा। ठीक है, अब आपको आंसर किस में लाना है, cos इनवर्स में, तो cos इनवर्स लाना है तो कहीं ना कहीं cos थीटा तो आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि cos थीटा बराबर कुछ कुछ चीज होगी, तो थीटा बराबर cos इनवर्स वो कुछ कुछ चीज हो जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर sec को गायब करना है, cos थीटा लाना है, तो x बराबर sec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, वन अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक्स कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी वन, तो कोस थीटा बराबर कितना हो गया वन अपॉन एक्स,
तो थीटा क्या हो गया, कोस इनवर्स वन अपॉन एक्स, और थीटा की वैल्यू रख दो सेक इनवर्स एक्स, तो क्या आ गया ये सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स वन अपॉन एक्स, ये बन गया sec थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोस थीटा। लेकिन जब इनवर्स में बात कहेंगे sec इनवर्स को cos इनवर्स में बदलना है, जो भी है उसका उल्टा कर दो अंदर, क्लियर यहां तक। अब बात सुनिएगा, आपको एग्जांपल, आपको वैल्यू निकालनी है sec इनवर्स 2 बाई रूट 3 की। अब आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, इसको ये लिख सकते हैं ना cos इनवर्स और जो है उल्टा कर दो रूट 3 बाई 2, और ये वैल्यू चेक कर लो कितने पर है, पाई अपॉन 6 पर है, क्लियर यहां तक। ऐसे ये हो जाएंगे तीनों भाई, कोट इनवर्स एक्स बराबर मान लो थीटा, एक्स इक्वल टू कोट थीटा, कोट थीटा को वन अपॉन टेन थीटा, क्लियर यहां तक। अब देखिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है, बाकी आप दोनों को प्रूफ करना है, इन दोनों को भी, क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना कॉपी कीजिएगा और उसके बाद ये दोनों प्रूफ भी करने हैं, ठीक है। फिर आगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो रख कर दो मैं इसको, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रैक्टिस और क्वेश्चंस की करते हैं, देखिएगा देखिए एक क्वेश्चन नोट करते हैं, देखो सुनो आपको, कोसेक इनवर्स टू इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो कोसेक इनवर्स टू को क्या लिख सकते हैं, अब आपको नहीं पता केवल साइन में पता है, कोई दिक्कत नहीं साइन वाला कर लो, तो कोसेक इनवर्स टू को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन इनवर्स अंदर जो उसको उल्टा कर दो 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पाई अपॉन 6। और एग्जांपल देखिएगा आप, टेन इनवर्स कोट इनवर्स वाला लेते हैं, कोट इनवर्स रूट 3 क्या लिखेंगे इसको, कोट इनवर्स रूट 3 को क्या लिख दो फिर इसको, टेन इनवर्स और 1/√3, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई पाई अपॉन 6, क्लियर, ठीक है। अब देखो दोनों को मिक्स भी करते हैं, माइनस वाले को और रेसिप्रोकल को भी, कोसेक इनवर्स माइनस का 2/√3, ये क्वेश्चन है आपके पास, कोसेक इनवर्स माइनस 2/√3 ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको देखो माइनस को भी हटाना है, कोसेक इनवर्स को भी हटाना है, तो पहले किसको हटाना चाहोगे, मतलब एक तरीका तो इसका ये हो गया, एक तरीका तो इसका ये मतलब ये हो गया कि कोसेक इनवर्स माइनस 2/√3 है, ठीक है, तो इसको साइन इनवर्स माइनस का √3/2 कन्वर्ट करके उल्टा कर दिया। अब इसको क्या लिख दो, साइन इनवर्स माइनस एक्स, मतलब माइनस का साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स √3/2, ये वैल्यू कितनी आ गई माइनस, फिर ये वैल्यू हो गई पाई बाई 3। सेकेंड चीज, अगर आप पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, सेकेंड फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड सुनो, अगर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना तो पहले माइनस का कोसेक इनवर्स 2/√3 माइनस आ गया, साइन इनवर्स टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में आता ही है, और अब इसको कन्वर्ट कर लो साइन इनवर्स में, तो माइनस साइन इनवर्स √3/2 ये वैल्यू कितनी आ गई माइनस, ये वैल्यू हो गई पाई अपॉन 3, ये आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही आपको पहले कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप इसको इसमें कन्वर्ट करें पॉजिटिव में, उसके बाद ही ये लगाएं,
पहले हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, ये वाला मेथड ज्यादा सही है बजाय इस मेथड के, यही मेथड ज्यादा सही है। पहले जब भी माइनस और कोसेक इनवर्स दोनों आ जाए, मतलब साइन कोस टेन के अलावा ये तीन फंक्शन आ जाए यहां पर, अगर आप तीन से काम निकालना चाहते हो साइन कोस टेन से, तो मतलब कोसेक को भी साइन इनवर्स में बदल लोगे, कोट इनवर्स हुआ तो टेन इनवर्स में बदल लोगे, और सेक इनवर्स हुआ तो कोस इनवर्स में बदल लोगे, ठीक है, हमारा काम निकल जाएगा। तो अगर ऐसे तीन आ जाए तो जिसमें माइनस भी लगा हुआ हो, तो पहले आप उसको अंदर की संख्या को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, मतलब इस तरह से जो भी कोस इनवर्स पाई बाय सिक्स, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन एक और करते हैं, देखो सुनो बात को, अभी चीज क्लियर हो जाएगी, देखो सुनो बात को, कोट इनवर्स माइनस का रूट थ्री ये है, कोट इनवर्स माइनस का रूट थ्री। अब दो तरीके हो गए इसके, सुनो आप क्या करोगे इसमें, पहले तो इसको चलो माइनस में बाहर निकाल लेते हैं, तो कोट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, कोट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स सॉरी माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस कोट इनवर्स रूट थ्री, क्लियर। अब पाई माइनस, अब आप पॉजिटिव में कहोगे ना ये, अब टेन इनवर्स में बदल लो, तो कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में करते ही ये क्या हो गया, वन अपॉन रूट थ्री। अब इसकी वैल्यू रख लो, तो पाई माइनस और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, पाई अपॉन सिक्स, आंसर क्या आ गया, फाइव पाई अपॉन सिक्स। अब सेकेंड मेथड देखो, अगर मान लीजिएगा इसको पहले टेन इनवर्स में बदलिए, ठीक है ना, पहले तो मैंने जैसे इसमें तो पॉजिटिव किया, तो पहले टेन इनवर्स में बदलोगे तो इसको रेसिप्रोकल करो दे, तो टेन इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री माइनस का, अब टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, सो टेन इनवर्स माइनस एक्स, सॉरी टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का टेन इनवर्स एक्स, तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस का टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री। तो अब इसकी वैल्यू देखेंगे तो माइनस और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई सिक्स, माइनस पाई अपॉन सिक्स, आंसर तो अलग अलग आ गया, आंसर तो अलग अलग आ गया, ठीक है। ये गलत है, ये सही है, क्यों, क्योंकि कोट इनवर्स के अंदर दिखेगा थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स में, जो थीटा की रेंज है, ये जो रेंज आती है वो जीरो टू पाई आती है, ठीक है ना, तो इसमें देखो जीरो टू पाई आ रहा है, इसके अंदर ये जीरो से कम पे चला गया, ठीक है। तो जब भी इसके अंदर ऐसी कंडीशन आ रही हो, देखिए इसके अंदर आंसर सही आ गया है, इसमें नहीं आ पा रहा है, इसका रीजन ये भी हो गया, देखिएगा, क्योंकि कोट माइनस थीटा भी होता है माइनस कोट थीटा, और कोट पाई माइनस थीटा भी होता है माइनस का कोट थीटा, लेकिन फिर यही वाली टेक्निक यूज लेते हैं ताकि पाई माइनस उस रेंज के अंदर थीटा मिल जाए आपको टेबल में से, ठीक है ना, इसलिए। तो अब आपको क्या करना है, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि मान लीजिएगा कोट इनवर्स कोसेक इनवर्स या सेक इनवर्स के साथ में माइनस वाले डिजिट है कोई, ठीक है ना, कोई भी नंबर है जो माइनस में आ रहा है, सबसे पहले उसको प्लस में कन्वर्ट करो, फिर टेन कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में, कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में, या फिर सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में, ऐसे जो भी करना है करना, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं यही मेथड यूज में लेना, देखिएगा पहले मैंने क्या किया, माइनस बार ले लिया इसमें से, पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया ना, अब उसके बाद साइन इनवर्स किया। यहां पर भी देखो कि जैसे ही आपने पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट किया आंसर सही आया है, डायरेक्ट इससे किया आंसर गलत आ रहा है, समझ में आ रही मेरी बात। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा ये लिखना, लिखकर काटना और लिखना, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा साथ में। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा साइन इनवर्स वन बाई टू ये वैल्यू है सारा, ठीक है ना, तो पहले तो जहां जहां नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में बदल लो, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स वन बाई टू, इसको क्या लिखेंगे, पहले कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, माइनस कोसेक इनवर्स, तो माइनस कोसेक इनवर्स टू, माइनस हो गया,
अच्छा इसको क्या लिखेंगे, प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स 1 बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स 1, ठीक है। अब वैल्यू रख दो तो साइन वर्स 1 बाई टू पाई अपॉन 6 माइनस, अब इसको कन्वर्ट कर लो पहले साइन इनवर्स में, तो ये क्या हो गया साइन इनवर्स 1 बाई टू क्लियर, प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स 1 बाई टू कितना हो गया पाई अपॉन 3 माइनस 2, और टेन इनवर्स एक्स की, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई अपॉन 4, 2 से मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। तो ये हो गया पाई अपॉन 6 माइनस, ये भी कितना हो गया पाई अपॉन 6, प्लस ये हो गया पाई माइनस पाई बाय 3 टू पाई बाय 3 माइनस पाई अपॉन 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो ही गया। ये एलसीएम ले लीजिएगा 6 2 4 पाई 3 पाई, आंसर क्या जाएगा पाई अपॉन 6, क्लियर यहां तक, ठीक है। कॉपी कीजिए आप इसको भी, लिख लिया अपने, रफ कर दूं, ठीक है। अब देखिएगा और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखिएगा ये एक टॉपिक और, चलिए अब देखिएगा एक दो क्वेश्चंस, कुछ एक दो छोटे टॉपिक देखते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ये होता है पाई अपॉन 2, इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स ये भी होता है पाई अपॉन 2, और इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स ये भी क्या होता है पाई अपॉन 2, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको भी, देखिएगा बॉक्स में बंद कर देना, इसको भी देखिएगा प्रूफ करते हैं, कोई एक लगता है बाकी एजिटीज हो जाएंगे, जैसे मैं ये ले रहा हूं, दिस प्रूफ दैट, यू प्रूफ दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, तो आप कोई एक मान लीजिएगा, इसको थीटा मान लो, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा को क्या लिखेंगे, मतलब कोस के टर्म्स में, तो देखिएगा कोस पाई बाय टू माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना, या साइन थीटा, देखिए साइन थीटा तो इसको लिख दिया, अगर आपने कोस इनवर्स एक्स को मान लेते थीटा तो एक्स इक्वल टू कोस थीटा हो जाता, तो फिर कोस थीटा को क्या लिख सकते थे साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, सब में साइन पाई बाय टू माइनस थीटा कोस थीटा, कोस पाई बाय टू माइनस थीटा साइन थीटा, टेन पाई बाय टू माइनस थीटा कोट थीटा, कोट पाई बाय टू माइनस थीटा टेन थीटा, इस तरह से। ये मैंने ऐसा इसलिए किया कि अब क्या कि साइन थीटा की जगह में ये लिखने से कोस आ जाएगा टर्म्स में, यहां पे देखिएगा, तो जैसे ये लिखा तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया कोस पाई बाय टू माइनस थीटा, अब कोस के अंदर लाएंगे क्या होगी कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू रखो देखें साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जैसे साइन इनवर्स रखेंगे तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन टू माइनस और थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, अब इसको ले आओ इधर, तो क्या हो गया ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन टू, इसी तरह से वो भी दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे इंटीग्रेशन में एक जरूरत पड़ेगी इनकी, देखो इसी तरह से यहां पे ये ध्यान रखना वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए जो भी हो, मतलब साइन इनवर्स 1 बाई टू प्लस कोस इनवर्स 1 बाई टू आंसर कितना जाएगा पाई अपॉन टू, ठीक है। साइन इनवर्स 1 बाई थ्री प्लस कोस इनवर्स 1 बाई थ्री आंसर कितना जाएगा पाई बाई टू, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स पाई बाई टू, सेम होना चाहिए वैल्यू जो भी हो, ठीक है, आंसर कितना जाएगा पाई अपॉन टू, क्लियर यहां तक, ठीक है। तो आप इस बार कॉपी कर लीजिएगा, ये तीन फॉर्मूले लिखिएगा,
तीन फॉर्मूले लिखिएगा और एक बार इसको प्रूव कर लीजिएगा, ये एग्जांपल लिख लो, भले लिखो तो ऐसे ही दोनों के प्रूफ हो जाएंगे इनके, ठीक है ना। ठीक है फिर अब और क्वेश्चन बनाते हैं, देखो कब कर दूं।